हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जुलाई का मौसम है तो आप लोग बारिश का खूब आनंद ले रहे होंगे। सबके यहाँ खूब झमाझम बारिश हो रही होगी। दोस्तों, ऐसे बारिश में तो आप लोगों का मन करता होगा बारिश में नहाने का, बाहर घूमने का, पकौड़े खाने का। तो क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है, इतना शानदार, इतना अद्भुत मौसम होता है। ऊपर से सावन चलते हैं हमारे महादेव के, आप सबके महादेव के सावन, तो अच्छा लगता है कि शंकर जी के मंदिर जाएं, रोज़ पूजा पाठ करें, उनकी पूजा अर्चना करें, बेलपत्री चढ़ाएं, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है और हम जिस भी कार्य में लगे होते हैं उसमें हमें उन्नति, दिन प्रतिदिन उन्नति प्राप्त होती है। चाहे हम नौकरी कर रहे हों, व्यवसाय कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, किसी भी फील्ड में हैं, उसमें हमें सफलता हासिल होती है। क्योंकि ये सावन का पर्व होता है और सावन में अगर कोई सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है तो भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हर एक को उसकी इच्छा के अनुसार उसको वरदान देते हैं। और आप सभी लोग तन मन धन से सावन पे डेली एक लोटा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, जिससे शंकर जी जल्द, बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि शिवलिंग ही एकमात्र एक ऐसा उपाय है जिस पे जल चढ़ाने से शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सावन के पर्व, स्पेशली सावन का पूरा महीना शंकर जी की आराधना के लिए होता है। इसमें जो भी भक्त पूरे महीने पूरी अपनी श्रद्धा से, पूरी अपनी उस मन से, भक्ति भाव से महादेव की आराधना करता है, महादेव को याद करता है, तो उसके जीवन में दुखों का अंत हो जाता है और उसे अपने हर कार्य में इतनी प्रगति से उन्नति प्राप्त होती है कि जिसने उसने वो कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं करी होगी। तो इसलिए दोस्तों, आप महादेव की आराधना कीजिए, ख़ास तौर पे सावन के पूरे महीने, क्योंकि ये सावन का पूरा महीना महादेव का होता है। इसमें आप उनको बेलपत्री चढ़ाएं, धतूरे चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, कुछ ना कर सके तो डेली प्रतिदिन एक लोटा जल तो शंकर जी को चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही दोस्तों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके आस पड़ोस में मंदिर हो आप वहाँ जाइए, आप ना हो तो अपने घर में छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्री हो तो बेलपत्री चढ़ाइए, उससे और ज़्यादा शंकर जी और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शमी का पेड़ अगर आपके पास है तो शमी की एक पत्ती तो जरूर चढ़ाइए, वो शमी की पत्ती आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। शंकर जी को अति प्रिय, सबसे प्रिय शमी का पेड़ होता है और शमी की एक पत्ती आप दिन प्रतिदिन चढ़ाएंगे तो शायद ही कभी कोई एक कोई इच्छा होगी जो आपकी पूर्ण नहीं होगी, या कभी कोई भी चीज़ होगी जिस चीज़ में आप पीछे रह रहे होंगे उस चीज़ में आप आगे नहीं निकल जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, भोले बाबा को प्रश्न करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, शंकर जी की भक्ति करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके कोई रूल नहीं होते, उसके कोई नियम नहीं होते, कोई कुछ नहीं, बस सच्चा मन चाहिए होता है, दिखावे का मन नहीं, बस सच्चा मन सही होता है। सच्चे मन से महादेव को याद करना पड़ता है और सच्चे मन से आप महादेव को याद करिए, बाकी आप उन पे छोड़ दीजिए, त्रिकालदर्शी पे, वो बाकी काम उनका है, वो आपकी मनोकामना बहुत जल्द से जल्द, क्या पता जैसे ही आप मांगो तुरंत ही या एक दिन बाद ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है और इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, शायद आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि इनके पूजा पाठ के लिए कोई भी चीज़, कोई भी नियम कानून, कोई भी चीज़ ज़्यादा चाहिए नहीं होती है, सिर्फ सच्चा मन और सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा चाहिए होती है, बाकी ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए होता है। क्योंकि हम ईश्वर को क्या अनपढ़ करेंगे, सब कुछ दिया हुआ तो ईश्वर का ही हमारे पास है, हमारी क्या उन्हें देने की औकात है। आज जो हमारे पास है या जो भी कुछ है वो सब है तो उन्हीं का, ईश्वर की मर्जी के अलावा तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो दोस्तों, इस सावन पे पूरे धूमधाम से सावन मनाइए और आप सभी लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब सावन का तीसरा सोमवार भी आने वाला है, दो सोमवार बचे हैं, जिन लोगों ने रह गए हैं वो ये दो सोमवार बहुत दबा के मस्ती करिए शंकर जी की और उनकी आशीर्वाद लेने की कृपा करिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद अगर आपके पास आ गया तो कोई भी आपको छू नहीं पाएगा।
इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महा।